हेलो दोस्तों, आज हमारे पास HP का 14cc लैपटॉप आया है। इस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है कि यह ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर ने हमें बताया कि उन्होंने यह लैपटॉप सर्विस सेंटर पर दिखाया था और सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है और यह मदरबोर्ड रिपेयर भी नहीं होगा। आपको इसका मदरबोर्ड चेंज कराना होगा और इसका नया मदरबोर्ड 17 से 18 हजार रुपए तक का आएगा। कस्टमर के लिए लैपटॉप में नया मदरबोर्ड लगवाना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने मदरबोर्ड रिप्लेस नहीं कराया। उन्होंने सूरज कंप्यूटर्स की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने देखा कि लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने में नंबर वन है, तो ये अपना लैपटॉप लेकर हमारे पास आए हैं। हम इस लैपटॉप को चेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका मदरबोर्ड रिपेयर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसके मदरबोर्ड के कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है और इसको कैसे फिक्स करते हैं। अगर आप भी लैपटॉप रिपेयर करते हैं और अभी लैपटॉप रिपेयर की इनिशियल स्टेज में है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी चाहिए और सीखना चाहिए कि लैपटॉप को रिपेयर कैसे करते हैं। अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है और उसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, तो उसके मदरबोर्ड को कैसे खोलते हैं और कैसे उसको चेक करते हैं, ये सब चीज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और देखें कि लैपटॉप के मदरबोर्ड को कैसे रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास में भी कोई लैपटॉप है और उसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सूरज कंप्यूटर के पास लेकर आ सकते हैं। हम लैपटॉप के मदरबोर्ड की समस्या को फिक्स करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें। हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।